हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर्षिका ए यूट्यूबर। आप सब भी अगर गिरते झड़ते बालों से परेशान हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें शुरू से लेके अंत तक। इस वीडियो में मैंने हेयर ऑयलिंग के ऊपर वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हर कोई चाहता है कि उसके बालों का विकास अच्छे से हो, इसके लिए वो हर संभव कोशिश करता है। उनमें से एक तेल की मालिश करना भी होता है। हाँ दोस्तों, तेल की मालिश करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं तेल की मालिश करने के लिए सबसे पहले बालों को सुलझा लूँगी, और जो मैंने तेल बनाया था इसका वीडियो मैंने पहले डाल चुकी हूँ, तो आप अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हो ये वाला तेल। तो ये इस तेल से मैं मालिश स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं बालों में तेल अच्छे से लगा लूँगी सब जगह, उनको अलग अलग भागों में बांट कर थोड़ी थोड़ी सी मांग निकाल निकाल के मैं पास पास में, और ऑयल को लगा लूँगी अच्छे से बालों में फिंगर्स की हेल्प से। इस तरीके से बालों में अच्छे से ऑयल को लगा लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी लगा लूँगी बालों में ऑयल। आप देख सकते हैं पहले मैं ऑयल को पूरे स्कैल्प पे लगा रही हूँ, फिर उसके बाद में मैं इसकी मालिश करूँगी। मालिश हम एक घंटे तक कर सकते हैं, आधे से एक घंटे तक कर सकते हैं। अब मैं हाथों की हथेलियों पर लेकर मैं नीचे की तरफ भी बालों में ऑयल को लगा लूँगी, ताकि नीचे के बालों का भी सूखापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जो ऑयल होता है वो एक कंडीशनिंग का भी काम करता है, इससे बालों में जान आ जाती है। ऑयल की मसाज करने से बालों में जान आ जाती है। अब मैं पूरे फिंगर्स की हेल्प से पूरे स्कैल्प पे ऑयल की मसाज करूँगी। अच्छे बालों के लिए तेल से बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता है। अगर हमें अच्छे बाल चाहिए तो हमें मालिश को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम दो बार तो हमें मालिश करनी ही चाहिए, अगर हमारे बालों में कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं तो हफ्ते में एक बार मालिश से भी काम चल जाता है। बालों में मालिश करने से क्या होता है, इससे बालों के झड़ने की प्रॉब्लम कम हो जाती है। और जो ये मैंने ऑयल बनाया है ये बालों को झड़ने से रोकने के लिए ही है, और ये 100% कारगर है। इसे मैंने दो बार इससे पहले यूज़ कर चुकी हूँ, और बहुत अच्छा ऑयल है। इससे बालों का झड़ना एकदम रुक गया है। अब मैं तब से इसी ऑयल को यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरे बालों के झड़ने की प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो। स्कैल्प में जो हमारे ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, या डेंड्रफ की प्रॉब्लम आ जाती है, या हमारे हेयर्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, वो इन हेयर मसाज से क्या होता है कि ऑयलिंग से ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। इन सब में इन सारे चीज़ों में, ड्राइनेस, डेंड्रफ, इन सब में ऑयलिंग बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसी तरह से मैं मसाज करती रहूँगी। और ऑयल लिया है और मैं नीचे की तरफ भी मालिश करूँगी फिंगर्स टिप की हेल्प से। मसाज करने से क्या होता है कि स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, जिससे जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, उनमें जो ब्लड होता है वो तीव्र गति से चलने लग जाता है। हम मालिश करते रहेंगे जब तक कि हमारे हाथों में दर्द ही नहीं हो जाए, तब तक करते ही रहनी है। इससे बाल शाइनी हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। मतलब ऑयलिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो हम क्यों नहीं करें ऑयलिंग? ऑयलिंग तो हर जिसको करनी चाहिए। तो मेरे बाल जो हैं वो ऑयलिंग हो चुकी है, तो अब मैं एक क्लच की हेल्प से इन्हें बांध लूँगी। मैं इन पर कॉम्ब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बालों में अभी भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने गर्म पानी में टॉवल को भिगो लिया है और निचोड़ लिया है। अब इस टॉवल से मैं अपनी पूरी स्कैल्प को और पूरे बालों को कवर कर लूँगी, और आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी।
ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से मेरी स्कैल्प के अंदर और मेरे बालों के अंदर अच्छे से चला जाए। अगर मेरी मसाज में कोई भी कमी रह गई होगी तो वो इससे फिलफुल हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आई हो तो लाइक जरूर।